फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ये, और आप इसे घर पर बनाकर एकदम बेकरी के स्टाइल तैयार कर सकते हैं बनाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेस है, चॉकलेट बेस है, जो मैंने प्रीमिक्स से बनाया, और मैंने इसे बनाकर ऑलरेडी पहले से ही रख दिया था। इसकी वीडियो मैंने पूरी अपने चैनल पर अपलोड की है, स्टेप बाय स्टेप, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए। उसके बाद ये मैं आपको व्हिपिंग बेकिंग के लिए यही वाली व्हिपिंग क्रीम यूज़ होती है जो मैं आपको दिखाई हूँ। उसके बाद आप बेस ले लीजिए। बेस जब ठंडा हो जाए तब आप इसका बटर पेपर निकाल दीजिए। फिर आप इसे केक के टर्न टेबल पर रख दीजिए और इसे तीन भाग में कट करिएगा नाइफ से। आपके पास अगर केक वाला नाइफ नहीं है तो आप नॉर्मल नाइफ भी ले सकते हैं। उसके बाद आप इसे हल्के हाथों से कट करिएगा और आप एक कप ले लीजिए या एक आप बाउल ले लीजिए। उसके अंदर आप 2 टीस्पून शुगर ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप गर्म पानी ले लीजिए, हल्का लुकवार्म वाटर लीजिए और आप इसे मिक्स कर लीजिए ताकि ये शुगर सिरप बन जाए जिसे आपको केक के ऊपर सोक करना होगा। उसके बाद देखिए, मैं आपको जिस तरीके से दिखा रही हूँ आप उसी तरीके से कट करिएगा। उसके बाद हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपने जो शुगर सिरप बनाया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप इसे अच्छे से सोक करिएगा ताकि केक एकदम मतलब जूसी बने। आप इसे हाथ से टच करिएगा, देखिएगा कि हर तरफ से अपना केक सोक हुआ है कि नहीं। उसके बाद आप व्हिपिंग क्रीम ले लीजिए, उसे अच्छे से बीट कर लीजिएगा पहले। उसके बाद आपको इसे पाइपिंग बैग में भर लेना है। बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी टिप है ये कि आप इसे पाइपिंग बैग में ही भर कर लगाइएगा और स्प्रेड करिएगा अच्छे से। स्पैचुला या आप कोई भी स्टील की स्केल ले सकते हैं। फिलहाल मैंने अभी स्टील की स्केल ली है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसे करना। हल्के हाथ से एकदम स्प्रेड करिएगा, तेज मत दबाइएगा। बाद आप इसके अंदर चॉकलेट गनाश ऐड कर सकते हैं। इसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की है, तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इसे भी आप एकदम हल्के हाथ से एकदम प्यार से आप स्प्रेड करिएगा। उसके बाद आपको सेकेंड लेयर लगा लेना है। सेकेंड लेयर जब आप लगाएंगे तो एक बात याद रखिएगा कि इसे आप हल्के हाथ से प्रेस करें ताकि हमारा केक एकदम दब जाए एक के नीचे एक। उसके बाद आप इसके अंदर भी शुगर सिरप लगा लीजिए। फिर आप इसे भी हाथ से टच, अगेन सेम प्रोसेस आपको करना है। पाइपिंग बैग में जो आपने क्रीम भरे होंगे उसके बाद आपको स्प्रेड कर लेना है। फिर हल्के हाथ से आपको इसे फैला देना है। इसके अंदर चॉकलेट गनाश डाल दीजिए। जो आप चॉकलेट गनाश बनाए हैं होंगे वो आप इसे 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं अगर आपने ज़्यादा बनाए होंगे तो। उसके बाद आपको थर्ड लेयर लगा लेनी है एंड फाइनल लेयर है ये। उसके बाद इसे भी आपको शुगर सिरप से सोक कर लेना है। फिर व्हिपिंग क्रीम आप इसके अंदर स्प्रेड कर दीजिए अच्छे से, स्प्रेड करिएगा ताकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बस आप हल्के हाथ से करिएगा, ज़्यादा प्यार से एकदम करिएगा जिससे हमारी क्रीम केक पर बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगी। बस आपको साइड्स में भी यही करना है। केक बेकिंग इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप एक बार सीख जाएंगे, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होगी। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छा बेकर बन सकते हो, और केक आजकल तो हर कोई अपने घर पर बना रहा है, तो आपको भी ज़रूर सीखना चाहिए। बस आपको साइड साइड्स की लेयर्स भी ऐसे ही आपको क्लीन कर लेना, हल्के हाथ से करिएगा। हाँ, आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको टाइम लगेगा सीखने में, तो आप ज़रूर पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगी एक अच्छा बेकर बनने के लिए। उसके बाद देखिए, हमारा अच्छे से आइसिंग हो चुकी है। आप इसे 10 मिनट्स के लिए रख दीजिए रेफ्रिजरेटर में। फिर आप अपने कलरफुल तरह का कोई भी डिज़ाइंस के आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप मैंने इसे साइड्स में पिंक कलर का मैंने इसमें जेल कलर ऐड किया है, तरीके से कोई भी डेकोरेशन इसे दे सकते हैं। फिर मैं ऊपर से इसके अंदर चॉकलेट गनाश ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आप इसे हल्के हाथ से स्प्रेड कर दीजिएगा, साइड साइड में हमारी डिज़ाइन बनकर आ जाएगी। ये स्टेप आप पहले करिएगा, एक्चुअली ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, या आप ये जो फूल्स हैं आपके नीचे के जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएंगे वरना मेरा। उसके बाद आप इसके अंदर ऊपर से कोई भी अच्छा सा फ्लावर बना लीजिए। बस आपका बहुत अच्छा सा घर पर बन जाने वाला केक, चॉकलेट केक बनकर तैयार है। आपको लगेगा भी नहीं कि आपने बाहर से बाहर की तरह आपने बनाया है, एकदम इतना अच्छा देखने पे लग रहा है, लिटरली उतना खाने में भी बहुत अच्छा था। तो ज़रूर ज़रूर आप ट्राई करिएगा और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही बहुत सारी बेकिंग टिप्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी रेसिपीज़, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके बाद देखिए, मैं इसे डेकोरेट कर चुकी हूँ और आप इसे अभी मैं आपको एंड में कट करके भी आपको दिखा रही हूँ। हाँ, ये मैंने चॉकलेट बॉल्स लगा दी है, आप ऑप्शनल है, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, बस
अब आप उसको मैं कट कर, और एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, आप कभी भी केक बनाएंगे तो आप प्रीमिक्स से ही बनाइए। मेजरमेंट से क्या होता है, आपके मेजरमेंट्स कभी ऊपर नीचे अगर हो जाएंगे तो आपका केक बराबर उसका बेस नहीं बन पाता, और अगर बेस नहीं बना तो आप अच्छा सा केक नहीं बना सकते। देखिए मैं इसे कट करके भी दिखा रही हूँ, कितना अच्छी इसकी लेयरिंग आई है।